आज के इस वीडियो में मैं आपको शुभ शक्ति योजना के बारे में बताऊंगा। तो शुभ शक्ति योजना एक योजना है जो राजस्थान सरकार श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के अविवाहित पुत्रियों को विवाह के समय 55,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि या सहायता राशि देता है। तो इस योजना के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसा कि ये श्रम विभाग राजस्थान सरकार का ये वेबसाइट खुल रही है, इसमें आप पढ़ रहे हैं, ये शुभ शक्ति योजना है। इसमें हित लाभ, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हिताधिकारी की वयस्क या अविवाहिता पुत्री को या महिला हिताधिकारी को 55,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। इसकी जो पात्रता है, शर्तें हैं, वो क्या है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो पहली शर्त है वो है लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष से मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हो, यानी कि जो आप डायरी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो कम से कम एक साल पुरानी हो। और दूसरा पॉइंट है अधिकतम दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि दे होगी। यानी कि ये प्रोत्साहन राशि अगर हिताधिकारी की दो पुत्रियों को मिलती है, अगर हिताधिकारी महिला है तो उस महिला को और उसकी पुत्री को दोनों को ये मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, यानी कि जो भी इस योजना में लाभ लेना चाहता है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि वह वयस्क होना चाहिए और अविवाहिता होनी चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है हिताधिकारी की पुत्री या महिला हिताधिकारी को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि कम से कम 8वीं क्लास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है हिताधिकारी की पुत्री या महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो, यानी कि आपके बैंक में बचत खाता भी होना जरूरी है। छठा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिताधिकारी का अगर स्वयं का निवास है, स्वयं का आवास है, घर है, तो उसमें शौचालय होना बहुत आवश्यक है। सातवां पॉइंट है आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। मतलब आपने डायरी रजिस्ट्रेशन करवाई, एक साल पूरा कर लिया, अब आप आवेदन कर रहे हैं कि मुझे मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं तो मुझे 55,000 रुपये की सहायता राशि चाहिए। तो ये राशि जब ही मिलेगी जब आपने इस ड्यूरेशन में कम से कम 90 दिन कार्य किया है। आठवां पॉइंट है प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर दे होगा, यानी कि आप निर्माण श्रमिक हैं, इसका भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन भी इसका होगा। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा? इसका फिजिकल वेरिफिकेशन का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक अभियंता या उच्च अभियंता या फिर सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य कोई राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नवा पॉइंट है प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी या फिर पुत्री के विवेक के अनुसार आगे की शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करना, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने, कौशल विकास प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह के उपयोग में लिया जाएगा। दसवां पॉइंट है योजना का हित लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उसके एक साल बाद से आप आवेदन करने के कर सकते हैं, मतलब एक साल पूर्ण होने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की स्थिति में आपका जो हिताधिकारी परिचय पत्र है वो एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आता है आवेदन की सीमा। आवेदन की सीमा यानी कि कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात तथा अविवाहिता पुत्र की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में जो भी लागू हो अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि आपने डायरी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसके एक साल बाद से ही आप आवेदन कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपकी पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो।
इसके बाद है आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप जो ये दस्तावेज़ इनको स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और ऑनलाइन करते वक्त इनको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ये प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको हिताधिकारी पुत्री की बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पृष्ठ, यानी कि पासबुक का जो प्रथम पृष्ठ है उसका बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ साफ, जिसमें आप बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और हिताधिकारी का नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, सारा बिल्कुल साफ साफ एकदम PDF में आप स्कैन कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में रख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त बहुत काम आती है। इसके बाद हिताधिकारी पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने की प्रमाण पत्र, यानी कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री की कक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, इसकी मार्कशीट लगानी है। हिताधिकारी पंजीकरण परिचय पत्र या कार्ड की प्रति, यानी कि हिताधिकारी जो का जो कार्ड है उसकी कॉपी। पांचवा पॉइंट है भामाशाह परिवार कार्ड या फिर भामाशाह नामांकन की प्रति। छठा है आधार कार्ड और सातवां बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताया कि शुभ शक्ति योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कितनी सहायता राशि मिलती है, क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं।